एक फंदा हम वाइट का धागा इस साइड को क्रॉस कराएंगे, एक रेड का, ऐसे एक क्रॉस करा, एक वाइट का, एक फंदा रेड का, ऐसे हम पूरी सिलाई ये बना देंगे। तो ये पूरी सिलाई मैं ऐसे बना लेती हूँ, ऐसे अब ये देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई हमने बना ली। अब उल्टी सिलाई पे आ गए हम, तो उल्टी सिलाई भी हम ऐसे बनाएंगे सीधी साइड को। तो जैसा हमारा फंदा है उसको वैसे ही बनाएंगे, जिस कलर का है ऐसे क्रॉस कराते जाएंगे। ये देखिए ये हमने बना लिया वाइट। अब धागे को इस साइड को क्रॉस कराएंगे, ये हम रेड बनाएंगे, फिर धागे को ऐसे उंगलियों से पकड़ते जाएंगे, ये वाइट, ये रेड, ऐसे हम पूरी सिलाई बना देंगे। जैसा फंदा है उसको वैसे ही पर क्रॉस कराते जाना है। फिर अगर क्रॉस नहीं कराओगे तो डिज़ाइन नहीं बनेगा। फिर ऐसे इस साइड को, ऐसे इस साइड को करा, फिर ये बनाया, ऐसे करा, ये बनाया, ऐसे करा। तो पूरी सिलाई ऐसे मैं बना लेती हूँ, फिर अगली दिखाती हूँ आपको। ऐसे यहाँ से धागा फोल्ड होता जाएगा एक सिलाई में, और दूसरी सिलाई में खुलता जाएगा अपने आप, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए फ्रेंड, दो सिलाइयाँ हमने बना ली, तो ऐसे चोटी बनी हुई आती है यहाँ पे। अब इसके बाद दो सिलाइयाँ हम बेस कलर से बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी। उसके बाद फिर यही डिज़ाइन बनाएंगे ऐसे। तो ये सिलाई में पूरी सीधी और अगली फिर पूरी उल्टी रेड कलर से। उसके बाद दोबारा से फिर हम यही डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे। देखिए तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आप ये बना लीजिए। तीन बार डिज़ाइन यहाँ पे बना लीजिए बीच में, उसके बाद फिर आगे दिखा। दो बार ही बनाइए फ्रेंड, तीन बार हम बड़ों के लिए बनाते हैं और दो बार हम बच्चों के लिए। तो एक डिज़ाइन ये हुआ, एक दो सिलाइयों के ऊपर और बना लीजिए, फिर आगे दिखाते हूँ।